माई बाइक, क्या आपने ये नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो थोड़े टाइम में आपको ये नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि माई बाइक एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके आप बाइसिकल रेंट पे ले सकते हो। देखिए, ये जो माई बाइक जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका यूज कौन कर सकता है? तो गाइज, इस सर्विस का यूज खास वो लोग कर सकते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिम नहीं जा पाते टाइम की वजह से, एंड अगर आपको नजदीक में कहीं पे ट्रैवलिंग करना है तो आप बाइसिकल रेंट पे लेके ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो गाइज, ये वीडियो में काफी सारी बातें कवर करने वाला हूँ, लाइक आप किस तरह से बाइसिकल रेंट पे ले सकते हो, इसकी प्रोसेस क्या है, फिर ये जो सर्विस है वो कौन से सिटीज में अवेलेबल है, एंड इस एप्लीकेशन में कौन से प्लान्स अवेलेबल है जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपके यूजेस के हिसाब से। तो ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि कौन से सिटीज में ये माई बाइक की सर्विस आपको मिल जाएगी। तो आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात के अहमदाबाद से, उसके बाद जामनगर, राजकोट, वलसाड़, फिर महाराष्ट्र में मुंबई एंड राजस्थान में उदयपुर। तो इतनी सिटीज का मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू मेरी जो मैंने जो भी रिसर्च किया है तो मुझे इतनी सिटीज के नाम मिले हैं, लेकिन क्या पता कि कोई दूसरे भी ऐसे सिटीज है जहां पे इसकी सर्विस आपको मिल सकती है, एंड अगर आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है तो क्या पता फ्यूचर में थोड़े टाइम में आपको इसकी सर्विस मिल जाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से या तो फिर आपके पास अगर आईफोन है तो एप स्टोर से आपको ये माई बाइक की एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर देनी है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उसको ओपन कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऐड करके आपका अकाउंट रजिस्टर कर दीजिए। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप का फॉर्म दिखेगा जिसमें कुछ आपकी पर्सनल डिटेल है जो आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो सिंपली वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप साइन अप कर लेते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट हब, आपको यहाँ पे मैप दिखेगा, आपको GPS एनेबल कर देना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट हब में क्या है कि आपके करंट लोकेशन के सराउंडिंग जितने भी ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको ये माई बाइक के हब दिखेंगे तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। लाइक अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे लोकेशन में, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, अहमदाबाद में स्पेसिफिकली कितने ऐसे एरियाज है जहाँ पे मुझे इसकी सर्विस मिलती है, यानी कि माई बाइक के जितने भी स्टेशन है वो यहाँ पे कौन से एरिया में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट अभी यहाँ पे बात करते हैं प्लान्स के बारे में कि यहाँ पे कौन से प्लान्स अवेलेबल है। तो अगर आपको प्लान्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन पे अगर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको उस लोकेशन पे कितनी बाइसिकल्स अभी रखी हुई है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं जो अनलॉक का आइकन है उस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जिसमें आपको अलग अलग प्लान्स दिखने को मिल जाएगा, लाइक बाइक टू वर्क स्पेशल है, फिर पे पर राइड है, फिर पे पर हवर, फिर उसके बाद पे पर हवर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, उसके बाद वीकली, फिर मंथली एंड ईयरली। तो इतने प्लान्स आपको यहाँ पे आज की तारीख में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई सारे प्लान्स की, अभी बात करते हैं बाइसिकल रेंट पे कैसे लेनी है। तो चलिए चलता हूँ मैं अपने जो यहाँ पे नजदीकी जो हब है माई बाइक का वहाँ पे, एंड वहाँ पे जाके आपको वो पूरी प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। A few moments later. तो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरे घर के अराउंड जो लोकेशन हब है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे अभी 3 साइकिल अवेलेबल है। तो साइकिल आपको रेंट पे कैसे लेनी है, ठीक है, वो पूरी प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस आपको जो हब है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपके करंट जो लोकेशन है उसके सराउंडिंग। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो साइकिल है वो मुझे रेंट पे लेनी है, तो साइकिल के पीछे आपको यहाँ पे एक नंबर दिखेगा, ये नंबर आपको देख लेना है, और सेम नंबर जो मोबाइल एप्लीकेशन जो मैंने प्रोसेस आपको बताई वहाँ पे आपको ये नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन में ये जो नंबर है वो 4959 ये वाली साइकिल है जो मुझे यहाँ पे अभी रेंट पे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं अगर अनलॉक बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको अभी आगे बताया प्लान के बारे में, तो अभी यहाँ पे आपको प्लान परचेस करना पड़ेगा। तो प्लान में यहाँ पे अलग अलग प्लान आपको दिखाई देंगे, तो आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप देख लीजिए आपको कौन सा प्लान परचेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं ये प्लान परचेस करूँ पे पर राइड वाला, तो यहाँ पे वॉलेट बैलेंस मिनिमम 500, आपको वॉलेट में मिनिमम 500 रुपीज रखने पड़ेंगे। 500 के बाद आपको कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ेगा जिससे ये जो राइड के चार्जेस है वो डिडक्ट हो गए। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी सर्विस काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो पे पर हवर प्लान है ये प्लान यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या है, इसकी वैलिडिटी 30 दिन तक है और आपको वॉलेट में मिनिमम 500 रुपीज़ तो रखने पड़ेंगे। साथ ही में आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा 199 रुपीज़ का। उसके बाद अगर आप कभी भी बाइसिकल रेंट पे लेते हो तो पर हवरली आपको 2 रुपीज़ का चार्ज लगेगा।
तो यहाँ पे वन टाइम आपको 199 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, उसके बाद पर हवर आपको 2 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये वाला प्लान है जो मैं परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया पे पर हवर, और यहाँ पे एड सब्सक्रिप्शन एंड कन्फर्म। तो यहाँ पे एक डायलॉग आएगा, तो सिंपली यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट मुझे रिचार्ज करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो मिनिमम रिक्वायर्ड वॉलेट बैलेंस है वो यहाँ पे 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो टोटल रिचार्ज अमाउंट है वो यहाँ पे 649 दिखाई दे रहा है। तो ये 649 आपको आपके वॉलेट में ऐड करने पड़ेंगे, और 649 क्यों? तो अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो ये 199 रुपीज़ है जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, और जो 500 रुपीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो, तो 500 + 199 तो टोटल कितना हुआ, 699, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिखा रहा है 649, तो अगर मैं तो यहाँ पे अगर 50 रुपये यहाँ पे कम क्यों दिख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे वॉलेट के अंदर चला जाऊँ, तो वॉलेट के अंदर आप यहाँ पे क्रेडिट पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ किया था, तो मुझे 50 रुपये का यहाँ पे कैशबैक भी मिला था। तो ये 50 रुपये यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हैं, इसलिए ये बोल रहा है कि आपको 649 ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको वॉलेट में से डायरेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे चला जाता हूँ मैं सिंपली मैप के ऊपर, और लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिचार्ज पे क्लिक। तो यहाँ पे अमाउंट आ चुकी है 649। अभी यहाँ पे सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेटीएम पे। फिर आपको पेटीएम के माध्यम से अमाउंट ऐड कर देनी है। फिर रिचार्ज हो जाने के बाद आप यहाँ पे वॉलेट में देख सकते हो मैंने मेरे दूसरे अकाउंट में रिचार्ज किया है, जहाँ पे थोड़े पैसे ऑलरेडी थे मेरे अकाउंट में। तो यहाँ पे 609 रुपीज़ अभी मेरे वॉलेट बैलेंस में मैंने रिचार्ज कर दिया है। अगर मुझे इसको रिफंड करना है तो सिंपली यहाँ पे मैं रिफंड करूँगा, तो ये जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अभी अगर आपको बाइसाइकिल अनलॉक करनी है तो सिंपली आपको करना क्या है, तो सिंपली यहाँ पे मैं चला जाता हूँ होम पेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लोकेशन सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ नंबर को अनलॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्लान परचेस कर लिया है पर मंथ का, क्योंकि मैं इस सर्विस का यूज़ काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ। तो अगर मुझे अगर ये अभी जो मैंने प्लान परचेस किया है, ठीक है, और ये साइकिल मुझे अनलॉक करनी है, तो सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। यहाँ पे आपको एक और एक डायलॉग आएगा, तो सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। ब्लूटूथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉक के साथ कनेक्टिविटी है वो ब्लूटूथ के थ्रू हो रही है। तो ये साइकिल आप देख सकते हो यहाँ पे बाइसाइकिल का जो लॉक है वो लॉक यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉक हो गया अनलॉक। फिर मान लीजिए ये जो बाइसाइकिल है अगर आपको कहीं पे पार्क करनी है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो लॉक है वो लॉक यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये लॉक आपने लगा दिया, और लॉक लगाने के बाद अगर आप चाहते हो फिर से उसको यूज़ करना, तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आपको अनलॉक का ऑप्शन दिखता है। तो अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ मोबाइल डिवाइस के अंदर, और यहाँ पे आपको ऊपर अनलॉक का ऑप्शन दिखता है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे अनलॉक बटन पे क्लिक कर दीजिए। एंड क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये जो लॉक है वो लॉक यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हो ये अनलॉक हो चुका है। फिर जब भी आपको एंड राइड करनी है, तो यहाँ पे सिंपली एंड का बटन आपको दिखता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आपको लॉक करनी पड़ेगी बाइसाइकिल, जब भी आप रिटर्न आते हो। ठीक है, ये जो बाइसाइकिल आप रखते हो हब पे, तो सिंपली उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल डिवाइस में एंड्रॉइड का बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ एंड्रॉइड के बटन पे क्लिक। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे सिंपली लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी राइड यहाँ पे सक्सेसफुली फिनिश हो चुकी है, और ये साइकिल भी हो चुकी है यहाँ पे लॉक। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि आपने जिस स्टॉप से बाइसाइकिल उठाई है आप सेम स्टॉप पे वापस रखने जाओ। आपको अगर वो साइकिल दूसरे स्टॉप पे रखनी है तो आप उसको रख सकते हो, ठीक है, और सेम वैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, साइकिल रखने के बाद आपको सिंपली साइकिल को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको वहाँ पे एक फीडबैक का ऑप्शन दिखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाइसाइकिल में जब आप बाइसाइकिल चला रहे हो तो तब आपको ब्रेक की प्रॉब्लम दिख रही थी, या तो फिर कोई दूसरी भी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे आपको फीडबैक का ऑप्शन दिखता है, तो सिंपली उस पर डिसलाइक पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप डिसलाइक के बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि बाइसाइकिल में क्या प्रॉब्लम थी, तो वो भी आप वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई, और ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। एंड इसके जितने भी प्लान्स है उसके रिगार्डिंग आपको
कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गई होगी पूरी प्रोसेस, एंड अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।